सुनवाई नीचे करना मत। लेकिन आप विद्यार्थियों की बात सुनने के बजाय छह महीने सर सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में देखा गया कि आज जमकर हंगामा जो है वो हुआ है। जानेंगे कि इस हंगामे के पीछे की आखिर वजह क्या है। सबसे पहले अक्षय से बात करना चाहूंगी। अक्षय, क्या हुआ, क्यों ये हंगामा हुआ? पैरामेडिकल बैच फर्स्ट बैच का पैरामेडिकल इनका पिछले साल भी हुआ था कि इनका जो फर्स्ट लिस्ट का रिजल्ट था वो डेढ़ साल तक डिलेड रहा। हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद इनका रिजल्ट आता है और इनको डिलेड रिजल्ट की वजह से इनको सेकंड एकेडमिक सेशन में जो है एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिल रही। तब भी हम लोगों ने जो कहा कि विद्यार्थियों की इसमें गलती नहीं है क्योंकि रिजल्ट निकालना जो है वो यूनिवर्सिटी का काम है। उस समय इनको एग्जामिशन दिला करके हम लोगों ने जो है एग्जाम दिलवाए। अब इनके वो जो एग्जाम हुए थे सेकेंड सेमेस्टर के, उसका रिजल्ट अभी 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। जबकि नॉर्म्स का कहते हैं कि 45 डेज के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स यही कहते हैं कि 45 डेज जो है वो एग्जाम का रिजल्ट आना चाहिए, पर 3 महीने से एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आना। और अब इनके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है, दे आर नॉट एलिजिबल बिकॉज इनका रिजल्ट नहीं आया। अब मुझे बताइए, जो इनके बाद वाले बैच हैं वो भी जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके साथ भी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके साथ भी एग्जाम नहीं देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आज ये विद्यार्थी बार बार कभी कॉलेज में जब बात करते हैं तो वो उनको यूनिवर्सिटी भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो उनको कॉलेज भेज देते हैं। इवन आपको जान के हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी ने जो इंटरनल असेसमेंट, सॉरी कॉलेजेस ने जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स यूनिवर्सिटी भेज रहे होते हैं वो भी कॉलेज में नहीं भेजे। ये विद्यार्थी स्वयं जाकर के अपनी फाइल फिल करके यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने आते हैं। मुझे बताइए, विद्यार्थी पढ़ेगा या अपना ये काम करेगा जो कि उनके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का? तो आज भी हम लोगों ने जो उसको लेकर के प्रदर्शन किया है कंट्रोलर ऑफिस के खिलाफ, और अभी कंट्रोलर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो 3 दिन के बाद हमें जब हम उनसे इकट्ठा मिलेंगे, उन्होंने 3 दिन के बाद हमें बात करने के लिए बुलाया है और उन्होंने बताया है कि वो कितने दिन का रिजल्ट जो है वो निकालने वाले। क्या आपको लगता है कि 3 दिन बाद जब आपको बुलाया गया है तब तक इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, या फिर एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपको लगता है कि इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा? कंट्रोलर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि विद इन 15 डेज ये इशू जो है वो रिजॉल्व करेंगे, और अगर विद इन 15 डेज ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो एक बार पुनः जो है विद्यार्थी परिषद इन पैरामेडिकल के विद्यार्थियों के साथ जो है खड़ी आपको दिखेगी। आपका नाम? आप पैरामेडिकल से? हमने देखा कि आप बात कर रहे थे उनसे, तो क्या कहा सर ने? टाइम का उसने उसमें वो इनके हमें हम क्या सिचुएशन कैसी रहेगी आगे के, हमें क्या करना है इसके लिए, अपने डिमांड्स हम उनके सामने रख दिए। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम ये डिमांड जो है कैरी ऑन करेंगे, तो उसमें हम ठीक है। अक्षय जी ने बताया थोड़ी देर पहले कि आप लोगों को स्पेशली पहले अपने इंटरनल असेसमेंट जो है उसकी भी फाइल आप सबको यहाँ पे ला ला के दिखानी पड़ रही है, क्या इस बात में सच्चाई है? जब हम यहाँ पे आए थे इंटर्नल्स के लिए, इंटर्नल्स यहाँ पे नहीं पूछे, फिर हम कॉलेज को अप्रोच करते हैं और वहाँ से हमें खुद जाना पड़ता है हर एक डिपार्टमेंट, क्योंकि कॉलेज का काम होता है और यूनिवर्सिटी का काम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम पढ़ाई होता है और बाकी काम होते हैं, इनके ये काम होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है कि खुद करने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही जो है करना होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमें हर टाइम फोर्स करना पड़ता है, जैसे कि आपका काम कर दीजिए हमारे जो काम ही नहीं होता है हमें यहाँ पे रोज रोज आना पड़ता है, तो इस वजह से हम 2 मंथ से इस रिजल्ट के पीछे भी आ रहे हैं कि ये हमारा काम कर देते हैं।
तो ये अब हमें कुछ सुलझाने के लिए बोलते हैं कि 2-3 दिन हो गए, बट हमारी अगर आप एप्लीकेशन भी देखोगे 3 महीने पहले की होगी, 3-10 दिन पहले की होगी, 1 मंथ पहले की होगी, तो हमारी एप्लीकेशन भी यहाँ रोज मतलब हम भी यहाँ पे आते हैं, हर एक स्टूडेंट आते हैं, हर एक अपनी फिक्र है, जो स्टूडेंट्स है डिप्रेशन में एंग्जाइटी में है तो वो आ रही है, क्यों नहीं आएंगे अपनी यूनिवर्सिटी को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, हम उसी मैनेजमेंट को मानते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो, उनको मैंने जिम्मेदार लिया। सर आपका अगला स्टेप क्या रहेगा, क्या आप उनकी वजह से हमारे फर्स्ट ईयर था वो क्लियर हो गया था। अभी जो जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कंट्रोलर सर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमेशा स्टूडेंट के फेवर में होती है, लेकिन अभी तक हमें दिख नहीं रहा है। कंट्रोलर सर ने कहा कि अब 2 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी लेटर मैंने 12वीं को लेटर आ रही लास्ट मंथ में, और कंट्रोलर सर ने मार्क भी दिए विवेक सर को, विवेक सर ने हमें सब कुछ बोला है। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में हमारे कोऑर्डिनेटर जो है, जो HOD माइक्रोबायोलॉजी है, जो डीन सर है, वो कहते हैं कि हमारी साइड से सिर्फ सभी ओके है, आप जाओ यूनिवर्सिटी कन्फर्म करो। यूनिवर्सिटी में जब आते ही ये बोलते हैं यहाँ पे सब कुछ नहीं, आपके कॉलेज साइड से इशू है, आप वहाँ से कन्फर्म करो, फिर वहाँ के हम यहाँ के रहे, फिर हम तभी यहाँ पे आते हैं, मतलब स्टेप प्रोटेस्ट करने बैठते हैं। सर हमने यहाँ के यहाँ तक की जो भी स्टूडेंट्स हैं कुटवा डोडा राजौरी सभी ने ग्रीवेंस जा रही है LG तक, उनके भी रिप्लाई आए लेकिन फिर भी कोई स्टेप नहीं उठा रहे। अभी हम यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकते कि हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ये इनका काम है। एग्जाम अगर मैम जो इन लोगों ने मेड सब मीटिंग की उनमें 10 स्टेप्स हैं, 1 से 10 में 8 फॉलो हो रहे हैं, फाइन ले लो, शॉर्टेज निकली है 10 सर फाइन लो उनके स्टूडेंट्स के, 85% मार्क करो उनके अटेंडेंस, किसी की 1% शॉर्टेज है उसको 10-20 सर फाइन ले रहे हैं, तो हमसे क्यों कर रहे हैं? अगर इन 10 में 10 स्टेप है 8 फॉलो कर रहे हैं एग्जामिनेशन में और रिजल्ट में, डिले करते हैं हमेशा। इन लोगों ने कहा एग्जामिनेशन में हमें 2 महीने के बाद रिजल्ट निकलना चाहिए, वो अभी निकल नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इसका कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल कर आता है तो इनकी तरफ से एक जोरदार हल्ला प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, और अगर प्रशासन नींद में सोया हुआ है तो उन्हें जगाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस खबर को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा समाचार TV, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।